दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिविल 19 पर। और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा डिज़ाइन ऑफ स्टील, मतलब स्टील फर्स्ट का फोर्थ यूनिट डिज़ाइन ऑफ बीम। ठीक है, अब इसमें मैंने इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने ये बता दिया था लेटरली सपोर्टेड बीम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और लो शेयर का हाई शेयर का कोर्सेस का भी सारा स्टेप बता दिया। ठीक है, इस वीडियो में हम लेटरली अनसपोर्टेड बीम के बारे में बात करेंगे। बस ये दो हो गए क्वेश्चन, ये लास्ट अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए मैं लिटरली अनसपोर्टेड बीम का पहले स्टेप बाय स्टेप कि ये बनाने का नियम बताता हूँ, उसके बाद इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, सो स्टेप बाय स्टेप उसका बनाने का नियम। तो ये रहा लिटरली अनसपोर्टेड बीम, पहले बनाने का प्रोसेस देखते हैं। जो आप में अगर लिटरली सपोर्टेड बीम का देखे हैं उसी तरह सेम टू सेम है, बस उसमें कुछ स्टेपेज चेंजेस हैं, बस वही मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर फर्स्ट बार का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देखना जरूरी है, क्योंकि मैं उसको इससे डिटेल से समझाया, इसमें भी डिटेल से समझाऊंगा, बस थोड़े से कुछ चेंजेस आएंगे मैं वो बता दूंगा। पहला स्टेप में आपको जो गिवन डाटा रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही सब लिखना है। तो आपको इफेक्टिव स्पान लेंथ का स्पान दे देगा, लेंथ कितना लंबा है आपका स्पान, और लोड भी दे देगा। अगर Fe 410 ग्रेड अगर दिया रहे क्वेश्चन में तो ठीक, नहीं दिया रहे तो आप मान लेंगे। अब मानते हैं Fe 410 मानेंगे तो Fe का वैल्यू कितना हो जाएगा, 410 और Fi 250। ठीक है, ये ग्रेड पे डिपेंड करता है ये दोनों। ठीक है, और ये तो याद कर लीजिएगा डायरेक्ट है। और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, सेकेंड स्टेप मैंने बताया था उसमें भी वही है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप दोनों सेम है, सपोर्टेड हो या अनसपोर्टेड बीम का क्वेश्चन वही सेम मैंने जो बताया था। ये अगर पॉइंट लोड, अगर क्वेश्चन में अनसपोर्टेड बीम हो, अगर पॉइंट लोड का केस बने तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है WL/4 फैक्टर लोड 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेफ के लिए, सेफ्टी चलेगा मेरा, मतलब सेफ की लोड, अगर फ्यूचर ऑन फ्यूचर कभी लोड बढ़े तो हमारा बिल्डिंग सुरक्षित रहे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलते हैं। UDL का केस बने बस फॉर्मूले चेंज होते हैं बेंडिंग, क्योंकि UDL का बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला अलग होता है WL/8, इसमें भी फैक्टर बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं तो बेंडिंग मोमेंट तो हो गया। अब शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स के लिए अगर पॉइंट लोड का बने तो वही W/2, अगर शेयर अगर UDL का बने तो WL/2, सेफ के लिए सेफ्टी के लिए हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो एक ही केस बनेगा ना, पॉइंट लोड का अगर दिया रहे या UDL का दिया रहे, तो अगर पॉइंट लोड का दिया रहे तो ये छोड़ देंगे आप, इसका ये सॉल्व करके बेंडिंग शेयर निकाल देंगे दोनों, क्योंकि मैं बनाने का नियम बता रहा हूँ इसलिए मैं दोनों एक साथ लिखा हूँ। ठीक है, अब स्टेप थर्ड देखते हैं, सेक्शन मॉडुलस ZP, ये कहाँ मिलेगा तो पेज 53 में मिलेगा। और हाँ, ये अगर ये आपको बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला अगर नहीं मिले तो स्टील टेबल में आपको 129 पेज में मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या है, सेक्शन मॉडुलस जो कि पेज 53 मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको 53 मिलेगा। हाँ, यहाँ पर चेंजेस मैंने हाईलाइटर पेन यूज भी किया है, यहाँ पर 1.3 से ZP को इधर लिख कर और सारा को उधर कर देंगे, लेकिन 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही अगर सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन था रहता तो यहाँ पर 1.3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पर अनसपोर्टेड का कैसे तो 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर चेंजेस है। ठीक है, और फिर सेम प्रोसेस जो ZP का वैल्यू आया पेज नंबर 138 139 और 140 में देख कर, जितना वैल्यू आएगा ये उससे ज़्यादा वाला वैल्यू मान लेते हैं। जैसे कि ZP कुछ आया, मान लिया मैंने ISLV 500, ठीक है ये मान लिया, तो ये सेक्शन मानने के बाद अब देखते हैं ISLV जब 500 मान लिया तो आफ्टर जो मानने के बाद उसका जो गिवन डाटा है सारा, डेप्थ बिर्थ ऑफ फ्लेंज थिकनेस ऑफ फ्लेंज TFT और वो सारा चीज़ लिख लेंगे, और ये तीन वैल्यू आपको स्टील टेबल से मिलेगा। स्टील टेबल में भी पेज ये 2-3 में जाइएगा, 2 या 3 पेज नंबर में आपको ये 2-3-4-5 में, तो आप उसमें भी ISLV 500 देखिए कहाँ है, उसका में आर के वैल्यू और आई रूट ऑफ क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ रूट, आर के रेडियस ऑफ रूट का वैल्यू और IXX IYY के वैल्यू वहाँ से मिलेगा। यही तीन वैल्यू आपको स्टील टेबल से मिलेगा और नहीं तो ये आपको उसमें मिल जाएगा, ये दोनों में मिल जाता है। ठीक है, स्टेप फोर आपका देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, ये पेज 18 में मैंने बताया था कहाँ मिलेगा। अब अगर फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखें तो उसमें देखिए, मैंने कोड के साथ बताया था, वही सारा चीज़ समझा दिया, डी कहाँ से आएगा, डी की वैल्यू क्या होता है, ये डी बराबर क्या होता है, एच ये पूरा हाइट, ठीक है, और ये डी थिकनेस ऑफ लेंस, ये रेडियस ये आर क्या है, ये रेडियस होता है, ये आर की वैल्यू यहाँ से मिल ही जाएगा आपको।
तो इससे करके बी बाई टी टी एफ निकाल देंगे थिकनेस ऑफ प्लेन, और डी बाई टी एफ निकाल देंगे ये दोनों इससे कम हो तो सेक्शन हमारा क्या होता है प्लास्टिक होता है। ठीक है, ऑल्सो चेक कर लेंगे क्या डी बाई टी डब्ल्यू पेज 53 में ही मिलेगा आपको। अगर ये 67 एलिप्स से कम होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स वेब बकलिंग चेक इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वेब बकलिंग का रिक्वायर्ड चेक नहीं करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन में जितने इस यूनिट में है अधिकतर में वेब बकलिंग चेक नहीं करना रहता है, लेकिन अगर केस ऑन कभी हो गया कि ये 67 से बड़ा हो गया तो वेब बकलिंग चेक करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपका फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब स्टेप फाइव देखते हैं, ये रहा स्टेप फाइव डिज़ाइन बेलिंग मिस्टर, आपको पेज 54 में मिलेगा, मैं आपको कोड में भी दिखा देता हूँ पेज 54 में। ये रहा पेज 54, ये आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, एम डी बराबर बीटा बी जेड पी एफ बी डी, लेकिन अब एफ बी डी को निकालने में झंझट है। अब इसके लिए आपको एफ बी डी की वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा है, एफ बी डी की वैल्यू ये रहा। अब इसमें भी एक्स एल टी क्या है, तो एक्स एल टी की वैल्यू यहाँ रहा। अब इसमें भी फाई एल टी क्या है, तो फाई एल टी की वैल्यू यहाँ है नीचे में, फाई एल टी यहाँ पर है। इसमें भी इसका तो वैल्यू यहाँ मिल गया। ठीक है, अगर इसका वैल्यू गामा एल टी क्या है, तो गामा एल टी बराबर ये फॉर्मूला यूज करें या ये वाला, तो आप ये वाला यूज करेंगे। और इसमें भी एफ सी आर बी क्या होगा, तो एफ सी आर बी का फॉर्मूला ये रहा ऊपर में, इसी पेज में सारा आपको मिल जाएगा एफ सी आर बी ये। ठीक है, मतलब आपको इसको फाइंड करने के लिए पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आकर ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये फाइंड करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये फाइंड होगा आपका। ठीक है, देखिए इसमें मैंने किया है कैसे, जैसे ये तो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब फाइंड करना पड़ेगा, पहले एफ सी आर बी का वैल्यू फाइंड करो, फिर ये फाइंड करो कर करके यहाँ तक आइएगा, फाइनली तब आपको एम डी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, और ये हमेशा बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये सही रहेगा हमारा केस। ठीक है, अब इसमें भी आप जब एफ सी आर बी का वैल्यू निकालेंगे, इसमें आपको एफ सी आर बी की वैल्यू में ये मिलेगा, तो आप 57 पेज में आपको मिल जाएगा। जैसे एफ सी आर बी का मैं दिखाता हूँ, ऐसे मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको सारा पता चल जाएगा। एफ सी आर बी में जब निकालिएगा आप, एफ सी आर बी जब ये निकालिएगा तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो आप एक छोटा सा ट्रिक भी है कौन सा, किससे एफ सी आर बी एक डायरेक्ट भी निकलता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 57 पेज में, आप 57 में जाइएगा, देखिए आपको अभी लेके जाता हूँ, या 57 ये रहा। अब देखिए डायरेक्ट इससे भी निकाला जा सकता है एफ सी आर बी। ठीक है, तो वही मैंने 57 को यहाँ पर लिखा था, के एल वाई आर जो है ना, इधर से ये और इधर से ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करके आप इसमें डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं एफ सी आर बी का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं जो मैंने दिखाया, लेकिन वो बहुत लंबा है इसलिए आपको छोटा वाला बताऊँगा आपको कि ये जल्दी से ये दो सॉल्व करेंगे तो आप एफ सी आर बी का निकल जाए, उसके बाद ये वैल्यू पुट करते जाएंगे सारा, तो आपका ये करते करते आपका ये पूरा निकल जाएगा, तब आपका स्टेप फाइव ख़त्म होगा। ठीक है, अब इसके साथ स्टेप सिक्स में देखते हैं अब क्या होगा। स्टेप फाइव के बाद स्टेप सिक्स देखेंगे, तो चेक शेयर कैपेसिटी निकालेंगे, तो फिर वही पेज 59 में जाएंगे, वही वी डी बराबर वी एन वाई गामा एम नोट है। ठीक है, 59 में आपको मिल जाएगा ये, तो ये सारा मैंने जैसे बताया था, वी एन की वैल्यू ये पुट करेंगे, फिर ए वी की जगह ये पुट करेंगे, करते करते आपको इसे निकलेगा वो क्या होगा, वी डी, वी क्या है शेयर फोर्स, जो वी डी है वो कम हो या बराबर होना चाहिए उससे। ठीक है, देन ये ओके होगा। ठीक है, उसके बाद सातवां स्टेप क्या है, चेक डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए वही पेज मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिखा नहीं है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेज 18 में ऐसा है, पेज ये इसके बाद स्पान बटा 300 जो लेंथ दिया रहेगा उसको कर लेंगे। इसमें फिर वही केस आ गया जो मैंने, अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखा होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैंने बहुत अच्छे समझाया है ये सब। अगर वही पॉइंट लोड का केस बने तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर यूडीएल का केस बने तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टील टेबल में 129 पेज में आपको मिल जाएगा। जो डेल है यहाँ पे अलाउएबल होगा, जो डेल अलाउएबल होगा वो बड़ा होगा डेल मैक्सिमम से, तो ये ओके होगा। और चेक वेब बकलिंग, चेक वेब बकलिंग के लिए भी पेज आपको पेज 67 में आपको ये फॉर्मूला दिया रहेगा,
आप इससे निकाल कर आप सारा करके आंसर, ये तो मैंने आपको बताया मतलब इसका बनाने का नियम स्टेप बाय स्टेप कितना ये है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करता हूँ, बस इसी के साथ आपका वीडियो ख़त्म होगा। चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ये रहा लेटरली अनसपोर्टेड बीम का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। डिज़ाइन अ लेटरली अनसपोर्टेड बीम टू कैरी अ यूडीएल ऑफ 50 किलोन्यूटन पर मीटर, द बीम इज अनसपोर्टेड। ठीक है, यहाँ पर आपको हाईलाइटर पेन से यूज किया, अगर सपोर्टेड का क्वेश्चन रहता तो यहाँ पर सपोर्टेड लिखा रहता, अनसपोर्टेड का कैसे, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है अनसपोर्टेड फॉर अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड इज सिंपली सिंपली प्लेस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल बीम एट इट्स एंड। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने फर्स्ट स्टेप के बताया था, गिवन डाटा लिखना है आपका फर्स्ट स्टेप, गिवन डाटा में जो जो दिया रहा है, यूडीएल का लोड दिया है, फैक्टर लोड, लोड भी निकाल लेंगे सेफ्टी के लिए 1.5 तो मल्टीप्लाई ज़्यादा लेके चलेंगे हम, ये भी कर दिया, स्पान लेंथ भी दे रखा है, चलिए ठीक है, एज्यूम सेक्शन दिया नहीं था हम तो एज्यूम कर लेंगे, FI 250 FE 410 मानते, ग्रेड दिया नहीं है इसलिए ग्रेड 410 मानते तो इसके लिए FI 250 हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप टू क्या था, डिज़ाइन द बेंडिंग मोमेंट एंड, ये डिज़ाइन द स्टेप टू क्या था, डिज़ाइन द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट का मैंने बताया था, यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, W² / 8। ठीक है, ये सारा पुट करने के बाद आ जाएगा 21.09। ठीक है, और फैक्टर सेफ्टी के लिए हम फैक्टर ले लेते हैं, मैक्सिमम शेयर फोर्स फैक्टर यहाँ पर ले भी सकते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टर ले, सेफ्टी भी ले सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम शेयर फोर्स यहाँ पर क्या आएगा, भी। ठीक है, भी का शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, W L / 2 ये आया। ठीक है, और स्टेप थर्ड क्या था, सेक्शन मॉडुलस ZP रिक्वायर्ड कितना है, तभी इसी से हम तो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ZP के लिए पेज 53 में मैंने बताया था, 53 में आपको ये मिलेगा, आपको बस ये अलग दिया नहीं रहेगा, बस इतना ही दिया रहता है, आप ZP को अलग करके 1.3 के डायरेक्ट मैंने लिखा है, उसके बाद सारा वैल्यू पुट करेंगे, M क्या है, M बेंडिंग मोमेंट है, ये सारा वैल्यू आपको ऊपर से मिलेगा, सारा पुट करने के बाद आपको आ जाएगा कितना, 120.63 × 10³ mm³। ठीक है, अब इसके इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करके अब वन पेज 138 में जाकर देखेंगे ZP का रिक्वायरमेंट इस जितना है उससे ज़्यादा वाला वैल्यू लेंगे, तो मान लेते हैं, मानते क्या इससे जब देखेंगे तो इसका ये वाला वैल्यू मैंने माना है, एज्यूम अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं कि आप यही मानना है, इससे ज़्यादा जो भी मान लें आप। ठीक है, मैंने माना है ये ISMB 175। ठीक है, अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के नीचे लिखेंगे, देखिए ISMB 175 जो मैंने माना उसकी सारी प्रॉपर्टी अब लिख देंगे, डेप्थ उसका दिया रहेगा, पेज नंबर में 140 मैंने बताया था, जो उसमें जाकर यदि करिएगा देखिएगा तो उसमें सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा, डेप्थ बेल्थ ऑफ लेंस थिकनेस ऑफ लेंस, ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, बस आप लिख देना है सारा को, ये सारा लिखते जाइएगा, और ये तीन वैल्यू आपको मिलेगा किसमें, स्टील टेबल में मिलेगा ये तीनों वैल्यू। ठीक है, इसमें स्टील टेबल में भी पेज 2-3 में जाकर आप देखिएगा ISMB 175 कहाँ है। ठीक है, तो आपको इसमें भी आपको ये सारा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने सिम बताया था 3.1 करके, आउट स्टैंड ऑफ लेंज मानेंगे, इसको याद करना पड़ेगा, BF/2 ब्रेथ ऑफ लेंज का हाफ लेंगे, और डेप्थ ऑफ पेड के लिए ये सारा फॉर्मूला है, आप सारा वैल्यू पुट करेंगे इसमें, अब ये पूछिएगा मत कि थिकनेस ऑफ लेंज कहाँ से आया, ये आर कहाँ का वैल्यू, आर यहाँ से आएगा आपको, थिकनेस ऑफ लेंज जितने प्रॉपर्टी आप लिखे हैं सारा उसी में से ही मैंने लिख रखा है, इसलिए ये पुट करेंगे डायरेक्ट तो आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ अब तीसरा स्टेप भी खत्म होता है, चौथा स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन पेज 18 में जाइएगा, ये दो कंडीशन चेक करना रहता है, अगर ये 94 से कम हो तो, और इसे 84 से कम हो तो सेक्शन ओके रहता है, मतलब सेक्शन प्लास्टिक का होता है। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेंगे हम, और चेक ऑल्सो चेक मैंने बताया था, ऑल्सो चेक कर सकते हैं, मतलब ये कर भी सकते हैं, अगर ये 67 से कम रहा, DYTW है फॉर्मूला, इसका पेज नंबर मैंने बताया था। ठीक है, और ये अगर 67 से कम रहा तो हमको क्या, वेब बकलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, चेक नहीं करना पड़ेगा, चेक करते हैं हम लास्ट में,
वेब बैकलिंक चेक नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ आपका स्टेप फोर भी ख़त्म हुआ। अब स्टेप फाइव देखते हैं। ये रहा स्टेप फाइव। स्टेप फाइव में डिज़ाइन द बेंडिंग स्ट्रेंथ MD MD के लिए पेज 54 में जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। इसमें FBD निकालने के लिए मैंने बताया था, बहुत झंझट है थोड़ा सा। FBD की वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले आप FCRB निकालिएगा। FCRB आप तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वो फॉर्मूला देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो फॉर्मूला यूज़ करिएगा ये वाला FCRB, ये वाला यूज़ करिएगा, बहुत लंबा होगा। इससे छोटा सा ट्रिक आपको पहले बता देता हूँ। पेज ये निकालने के लिए आपको पेज 57 में जाना पड़ेगा। KL और RY का वैल्यू निकाल कर आप ये निकाल सकते हैं। पेज 57 में जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा देखिए पेज 57। पेज 57 मैंने निकाल रखा है। इसमें ये KL/R। अब KL क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ। जी, इस क्वेश्चन का इफेक्टिव लेंथ 1.5 था, ठीक है, 1.5 मीटर था। उसको MM में चेंज करने के लिए 10^4 क्यों किया है। और RY इतना है। अब बोलिएगा RY कहाँ से आया? RY जब आप प्रॉपर्टी लिखे होंगे, जैसे ये वाला प्रॉपर्टी जब आप लिखते हैं तो उसमें RY की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है, इसमें से जो है, ठीक है, जो आप सेक्शन सेलेक्ट किए थे उसी सेक्शन का RY यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद आप HYTF निकालेंगे। अब ये दोनों आपको याद नहीं भी रहे थे, 57 में आपको मिल जाएगा। ये तो KL/R निकाला और HYTR निकालेंगे, दोनों का निकाल लेंगे। और दोनों का जैसे ये जितना पे आया 10-20 जिसके बीच में आया और ये जिसके बीच में आएगा, उस तरह मिलाकर दोनों तरफ से आके कोई एक वैल्यू होगा उसको लिखेंगे, वही FCRB का वैल्यू होगा। जैसे इसमें आया 80 और 20 के बीच में, तो इसमें 80 देखेंगे, 80 ये रहा और 20 कहाँ रहा, ये रहा। अब इसका बीच में देखेंगे कौन सा आएगा, ये वाला 455। देखिए 455.03 आया ना। इस तरह डायरेक्ट आप FCRB का वैल्यू निकाल लेंगे। FCRB का वैल्यू इसमें पुट करिएगा, उसका नीचे वाले फॉर्मूले में, सब 57 में ये सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें पुट करेगा तो ये वैल्यू आएगा। अब इसकी वैल्यू ये, इसका वैल्यू यहाँ पुट करिएगा तो ये आएगा। इसका फिर ये, इसका वैल्यू आप यहाँ पुट करिएगा तो ये आएगा। ये हमेशा एक से कम होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अभी इस ये पूरा का वैल्यू अभी यहाँ पर पुट करिएगा तो ये वैल्यू आएगा। तो अगर ये वैल्यू आ गया तब फाइनली आपको MD का वैल्यू निकलेगा। इसका तो मन होता है, ये तो पता ही है आपको, इसका मेन वैल्यू ये निकालना था जो निकल जाएगा। ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये हमारा ओके होगा। इसके साथ आपका फिफ्थ स्टेप भी कम्प्लीट हुआ है, ठीक है। अब छठा स्टेप देखते हैं। छठा स्टेप चेक शेयर कैपेसिटी आपको 59 पेज में मिलेगा। मैंने बार बार बता रहा हूँ ये वाला 0.6 से ज़्यादा हो, ये मतलब शेयर फोर्स छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब VD के लिए फिर वही मैंने बताइए, आपको ये कोड में मिलेगा पेज 59 में। इसकी जगह ये होता है, ये पुट करेंगे। फिर AV की जगह ये होता है, ये पुट करेंगे। अब सारा वैल्यू आपको पता ही है, थिकनेस ऑफ वेव, FY, सारा का वैल्यू आप पुट करिएगा तो फाइनली आपको ये मिल के आएगा कितना, 126.29 किलोन्यूटन। अब इसको चेक कर लेंगे, ये भी इसमें 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। VD है ये, तो ओनली VD आया ना, VD बराबर इतना आया। इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता है, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 75। अब ये भी क्या है, शेयर फोर्स, इससे ये छोटा होना चाहिए, तो छोटा ये बराबर था, छोटा हो गया, इट मीन्स ओके, ठीक है। तो आपका चेक शेयर कैपेसिटी हो गया। अब सातवां स्टेप देखते हैं। इसके साथ आपका छठा स्टेप भी ख़त्म हुआ। ये रहा आपका सातवां स्टेप, क्या है, चेक फॉर वेब डिफ्लेक्शन। ये डेल अलाउएबल मैंने बताया था पेज 18 में, शायद ये है, ये स्पान बटा 300, ये लेंथ जो आपको स्पान दिया रहेगा उसका 300 से डिवाइड कर लेंगे। इसको डेल कैलकुलेट करेंगे आप, सारा स्टेप जो अभी मैंने पेज नंबर बताया था, स्टील टेबल में मिलेगा ये फॉर्मूला। ये आपको ये फॉर्मूला सारा मिल जाएगा तो आप सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो आपसे ये डेल कैलकुलेट भी निकल जाता है। डेल अलाउएबल हमेशा बड़ा होना चाहिए डेल CL से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब इट ओके, मतलब ये सही हो जाएगा हमारा चेक वेब डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आठवां स्टेप लास्ट है, क्या है, चेक फॉर वेब बेयरिंग चेक करने के लिए आपको फिर पेज 67 में जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, सारा वैल्यू पुट करेंगे
सारा देखिए मैंने राइट स्टॉप करके बताता हूँ। यहाँ पर सारा वैल्यू पुट करने के बाद लास्टली फाइनली आंसर क्या आएगा, 114.37 किलो न्यूटन आपको एमएम में आएगा, उसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे, जो कि क्या होगा शेयर फोर्स से बड़ा होगा। अगर ये बड़ा रहा तो आपका आंसर सही है। अब ये बीच का है, इसको कन्फ्यूज मत करिएगा। जैसे अभी ये बी क्या है तो बी के लिए ये निकाला है मैंने, एन क्या है एन के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद ये सॉल्व करिएगा, एफ वाई आपको पता ही है डायरेक्ट, इसके बाद ये अलग स्टेप करिएगा, पुट करना सारा वैल्यू, पुट करने के बाद आपको फाइनली ये आंसर आएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको दोनों ये अनसपोर्टेड वाला वीडियो और सपोर्टेड वाला वीडियो दोनों समझ में आया। और कहीं भी आपको कुछ दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कहाँ कोई दिक्कत है, और आगे भी कोई भी किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए जो भी आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच।